अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, उसका है पांचवा वीडियो है, यानी पार्ट फाइव है। इससे पहले के वीडियो में हमने जो हिमालय की नदियां थी उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्योग्राफी के सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी है। अगर आप पूरे YouTube पे देखोगे तो हिंदी मीडियम का जो ज्योग्राफी है वो अकेले मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियों को उसके उद्गम क्षेत्र के अनुसार से दो भागों में बांटा गया है। जो नदियाँ हिमालय से निकलते हैं उसे हिमालय की नदियाँ कहते हैं, और जो नदियाँ प्रायद्वीप से निकलती हैं उसे प्रायद्वीपी नदियाँ कहते हैं। अभी प्रायद्वीप क्या होता है? भारत का जो ये दक्षिणी भाग है, जो पानी के अंदर है, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। कुछ नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो उसे हिमालय की नदियाँ कहते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम जो द्वीपकल्पी नदियाँ हैं, द्वीपकल्पी यानी कि प्रायद्वीपी नदियाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझ लो। भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो पानी के अंदर है, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए इसको हम मानचित्र के अनुसार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट कराने के बाद मैं आंसर क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँ। समझ में आ गए? तो चलो समझते हैं। द्वीपकल्पी नदियाँ, द्वीपकल्पी नदियों का मतलब होता है प्रायद्वीपी नदियाँ, ये वाले भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है, याद रखना। कभी कभी इस पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके परीक्षा में, भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपी नदियों का पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में विभाजन हो सकता है। अभी जो प्रायद्वीपी नदियाँ हैं इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रायद्वीपी नदियों में कुछ नदियाँ जो है पूर्व की तरफ बहती हैं तो कुछ नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं। जो पूर्व की तरफ बहती हैं उसे पूर्वी नदी कहते हैं, जो पश्चिम की तरफ बहती है उसे पश्चिमी नदियाँ कहते हैं। याद रखना, जो प्रायद्वीप में नदियाँ हैं उसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व में बहने वाली नदियाँ और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। इधर वाले भाग को पूर्व कहते हैं और इधर वाले भाग को पश्चिम कहते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। अगर हम प्रायद्वीप के पश्चिम भाग की बात करें, पश्चिम भाग यानी कि यहाँ पे ए वाले भाग में, यहाँ पे आपका आता है पश्चिमी घाट आता है। यहाँ पे देखिए, प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट आता है। पश्चिमी घाट से क्या होता है, कुछ नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं तो कुछ नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो ए जो पश्चिमी घाट है वो क्या करता है, बंटवारा करता है, जो पूर्व की तरफ नदियां बहती हैं उसको और जो पश्चिम की तरफ बहती हैं उसको। प्रायद्वीपी नदियों का निर्वहन वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए इन नदियों की घाटियों में आमतौर पर बाढ़ का खतरा नहीं होता है। अगर हम प्रायद्वीपी नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपी नदियां कैसी हैं, वर्षा जब बारिश होती है तो इस नदियों में ज़्यादा पानी होता है, इसलिए इन नदियों में बाढ़ का खतरा नहीं होता। जैसे हिमालय की नदियाँ हैं, हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो बारहमासी नदियाँ होती हैं। बारहमासी मतलब उसमें हर महीने पानी बहता रहता है, लेकिन जो प्रायद्वीपी नदियाँ हैं जब बारिश होती है तभी इन नदियों में जो जल होता है और जो पानी होता है ज़्यादा बहता है, नहीं तो वैसे गर्मियों में या और दूसरे मौसम में पानी थोड़ा कम बहता है, इसलिए इन नदियों में क्या होती है, बाढ़ आने का खतरा नहीं होता है। यह नदियां मौसमी होती हैं। अभी जो प्रायद्वीपी नदियां हो कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं, यानी जब वर्षा आएगा, बारिश आएगा तभी इन नदियों में पानी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो हिमालय की नदियां हैं वो कैसी होती हैं, बारहमासी नदियां होती हैं, उसमें साल भर पानी बहता रहता है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की लंबाई कम है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट है। समझ में आ गया, यहाँ पे पश्चिमी घाट है और यहाँ पे ये पूरा अरब सागर है। फिर से उसको समझो, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की लंबाई कम है।
पश्चिमी बहुत सारी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर तक पहुंचती हैं, तो इसकी जो लंबाई है नदियों की, यहां से नदियां शुरू होती हैं, यहां पे अरब सागर में उनका पानी आके गिरता है, तो यहां की जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। यहाँ की जो पश्चिमी नदियाँ, जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं, उनको बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। समझ में आ गया? उनकी जो चौड़ाई है वो कम है। क्लियर हुआ? समझते चलो, डाउट रहेगा तो बच्चों कमेंट करके बताना। लंबाई कम है पर गति ज्यादा है। अगर हम पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं, जो कि अरब सागर में मिलती हैं, उनकी बात करें तो वहां पर ढलान ज्यादा होने के कारण उन नदियों की गति, यानी जो नदियां हैं, बहुत तेजी से बहती हैं। जो नदियां यहां से निकलती हैं पश्चिमी घाट से, जो कि अरब सागर से जाके मिलती हैं, उनका ढलान अधिक होने के कारण वो नदियां क्या होती हैं, बहुत तेजी से बहती हैं, उनकी गति ज्यादा होती है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं दक्षिणी गुजरात के तटीय प्रदेशों में यह समानता है। अगर हम बात करें, केरल हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब यहां से जो नदियां निकलती हैं, इनकी क्या होती है, नदियों की जो गति होती है वो काफी तेज होती है, बहुत रफ्तार से नदियां बहती हैं। उत्तर गुजरात में खंबात की खाड़ी को मिलने वाले अनेक नदियां हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये है खंबात की खाड़ी, यहाँ पे कोने में है खंबात की खाड़ी और यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी। तो इसको समझो, उत्तर गुजरात में खंबात की खाड़ी को मिलने वाली अनेक नदियां हैं। तो खंबात की खाड़ी में बहुत सारी नदियां आती हैं और आके उनका जल, यानी कि पानी कहाँ पे जाता है, खंबात की खाड़ी में बहता है। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में आके मिलती हैं, तो आइए उसको देखते हैं। इनमें तापी, नर्मदा, माही एवं साबरमती का समावेश है। वो नदियां जो खंबात की खाड़ी से मिलती हैं, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये चार नदियां जो हैं खंबात की खाड़ी से आके मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां, आप मानचित्र में देख लेना। पहला है जो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये चार नदियों का पानी कहाँ पे जाता है, खंबात की खाड़ी में आता है, उनकी पानी जाके खंबात की खाड़ी से मिलती है। समझ में आ गया? तापी एवं नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती हैं। तापी और नर्मदा, यहाँ भ्रंश की घाटी है, यहां से वो नदियां बहती हैं। नर्मदा और तापी कहां से बहती हैं, भ्रंश की घाटी से, यहां भ्रंश की घाटी, यहां से नदियां बहती हैं। माही नदी पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। अभी देखो आप, माही नदी देखो, इसमें आपको माही नदी यहां से दिखाई दे रहा है, तो माही नदी बहती कैसे, उसका दिशा बताना है, पूर्व और उत्तर। पूर्व और उत्तर मतलब कि क्या होता है, ऊपर वाले को हम लोग उत्तर कहते हैं और इधर पूर्व। तो देख रहे हो माही नदी कैसे निकल रही है, यहाँ पे देख रहे हो, उत्तर और पूर्व से निकलती हुई आती है, इसको हम लोग उत्तर और इसको पूर्व कहते हैं। तो यहाँ से माही नदी की, यहाँ पे है माही नदी, यहाँ से माही नदी की जो है शुरुआत होती है। तो माही नदी उत्तर और पूर्व से निकलती है, यहाँ पे देखिए, माही नदी पूर्व उत्तर मतलब पूर्व और उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। अभी माही नदी बहती किधर है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में, यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर से, ऊपर वाले को उत्तर और पूर्व, पूर्व उत्तर से बहती हुई किधर आती है, दक्षिण और पश्चिम की तरफ। नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं और इस वाले को पश्चिम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माही नदी, ये अपने दिशा बताए कि माही नदी कैसे बहती है। तो वहीं अरावली के दक्षिणी ढाल से निकलने वाली साबरमती उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। अगर हम साबरमती की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण की दिशा में, यहाँ पे देख रहे हो ना, ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं। तो साबरमती जो नदी है उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, अपने दिशा बताए को बहती कैसे। साथ ही अरब सागर से मिलने वाली और अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी लूनी है। अभी यहाँ पे देखो, अरब सागर, यहाँ अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से निकलने वाली एक नदी यहाँ पे आपको और दिखाई दे रही है, लूनी नदी। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, साथ ही अरब सागर से मिलने वाली और अरावली के पश्चिम ढाल से निकलने वाली नदी लूनी है। यह नदी अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में मिलती है। तो लूनी नदी का पानी कहाँ पे जाके मिलती है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है वहां पे आती है। तो यहाँ पे एक नदी और है लूनी, याद रखना, पश्चिम की तरफ बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं कौन कौन सी है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। चार नदियों का पानी कहाँ पे जाता है, खंबात की खाड़ी में जाता है और लूनी का पानी जो है वो कच्छ में जाके मिलती है। तो ये थी
पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो कि जिनका पानी अरब सागर में जाके मिलता है। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियां। यहां पे है आपका बंगाल का खाड़ी। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी से जाके मिलती हैं? सिर्फ अभी हमने देखा कि जो अरब सागर से, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो अरब सागर से मिलती हैं, और जो पूर्व की तरफ बहेंगी उनका पानी कहाँ पे जाएगा? बंगाल की खाड़ी में जाएगा। समझ में आ गए? आइए देखते हैं। प्रायद्वीप का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी के जलोत्सारण क्षेत्र का भाग है। इसमें गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों का मुख्यतः समावेश है। अभी हम बात करें पूर्व की तरफ कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, निकलती हैं और जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो उसमें गंगा के अलावा कौन कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ पे देखिए, गंगा के अलावा महानदी, यहाँ पे देख रहे हैं महानदी, आप मानचित्र में देख सकते हो अपने किताब में। उसके बाद है गोदावरी, उसके बाद है आप देख सकते हो यहाँ पे है कृष्णा, कृष्णा के बाद है कावेरी। ये जो चार नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका पानी कहाँ पे जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। समझ में आ गए? ये नदियां किधर? पूर्व की तरफ बहती हैं। ये वाली दिशा को हम लोग पूर्व कहते हैं। गोदावरी, कृष्णा व कावेरी, इन तीन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर होता है। अगर हम बात करें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये कहां से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से, यानी कि यहां से निकलती हैं और किधर बहती हैं? पूर्व की तरफ। पश्चिमी घाट से शुरू होती हैं और पूर्व की तरफ ये नदियां बहती हैं। कौन नदियां? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है। अगर हम गोदावरी की बात करें, गंगा के बाद सबसे ज्यादा पानी किस नदी में बहता है? तो वो है गोदावरी। गंगा के बाद किस नदी में सबसे ज्यादा पानी बहता है? तो वो है गोदावरी। याद रखना, यहां पे देखिए, गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक यानी दूसरे नंबर पर है। कृष्णा नदी का मैदान गोदावरी के दक्षिण में है। अभी कृष्णा नदी यहां पे है, कृष्णा नदी का जो मैदान है वो कहां पे है? गोदावरी के दक्षिण भाग में है, यानी कि ए वाला भाग जो है कृष्णा नदी का क्या है? मैदान है। हो गया। भीमा एवं तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अभी हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें यहां पे है भीमा और यहां पे है तुंगभद्रा। ये क्या किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, यानी कृष्णा नदी के साथ ये लोग मिलके बहती हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से बहती है। यह नदी बहुत पहले से ही सिंचाई के उपयोग में लाई जाती है। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो ये कौन से राज्य में होकर गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से बहती है। यह नदी बहुत पहले जो थी सिंचाई के लिए उपयोग की जाती थी। कौन? कावेरी नदी। तो ये आपका मानचित्र है। अगर बच्चों आप मानचित्र को अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ पे जो लिखा है आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप मानचित्र को समझने की कोशिश जरूर करिए। एक बार आप मानचित्र अच्छे से समझ लोगे तो आपको ज्योग्राफी या भूगोल समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पार्ट में हम जो ब्राजील का प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भारत का प्राकृतिक संरचना और अपवाह तंत्र है उसे पूरा कर लिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।